बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। टाइम जो है आपका 3 आवर का है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 नंबर का है। नोट यहाँ पे दे रखा है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंड के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर ये आपको देना है, इसके जो आंसर देने हैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए और आपके प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क्स है, यानी कि आपके 10 प्रश्न होंगे और 20 नंबर आपको यहाँ पे सेक्शन ए से मिलेगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रत्यय क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर सेकंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है, अभिवृत्ति और विकास में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर थ्री है राइट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवस्थाएँ हैं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर चार हो व्हाट डू यू मीन बाई लर्निंग, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम के बारे में बताना है। डिफाइन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर सिक्स है व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की आधुनिक अवधारणा क्या है, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर सेवन है राइट द 5 सिम्पटम ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण कौन कौन से है, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर आपका 8वां है व्हाट डू यू मीन बाई एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है राइट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। सेक्शन बी है यानी खंड बी आपको यहाँ से स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघुत्तरीय प्रश्न। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये आपके 5x6 यानी कि 5 प्रश्न होंगे और 6 नंबर का आपका यहाँ पे एक प्रश्न का एक उत्तर का आपको मिलेगा नंबर। नोट सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में ही हो। प्रश्न नंबर सेकंड है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन इट, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या कीजिए अथवा डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर तीन है डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए और डिस्कस द डिफरेंट थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर चार है डिफाइन लर्निंग एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग को आपको डिफाइन करना है यानी कि अधिगम को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताओं को भी लिखिए। प्रश्न अथवा आपका लिख सकते हैं डिस्कस द एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 5वां व्हाट इज द पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द चीफ फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इट्स डेवलपमेंट, व्यक्तित्व क्या है, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए अथवा What do you mean by mental healthy? Explain it. Mentally, जो mental healthy है यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है clarify the concept of individual difference, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए अथवा discuss the various characteristic or creative चाइल्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड, यानी कि सृजनात्मक बालक की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपका सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है यानी खंड सा।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। नोट यहाँ पे दे रखा है आपका, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है इसको। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, जो कि आपके दो प्रश्न होंगे और दो एक प्रश्न का जो अंक है वो 15 नंबर का है, यानी दो प्रश्न का जब आंसर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको 30 मार्क्स मिलेगा। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशनिंग एक्सप्लेन द पावलोव थ्योरी ऑफ लर्निंग, अनुबंधन क्या है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं इस पेपर में एक सिद्धांत जरूर पूछा जाता है, या स्किनर का पूछ सकता है, पावलोव का पूछ सकता है, कोलवर का पूछ सकता है, जीन पियाजे का पूछ सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक इस पेपर में ध्यान रखना है कि एक आप सभी का सिद्धांत आप पढ़ लेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप कहीं ना कहीं टीचर की एक टीचर बनना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो सिद्धांत जितने भी हैं आप उसको रटते जाइए। प्रश्न नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप डायनामिक्स, व्हाट आर द टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग ग्रुप्स रिलेशनशिप इन द क्लासरूम, यानी कि समूह गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, कक्षा में समूह संबंध सुधारने की प्रविधियाँ क्या हैं। प्रश्न नंबर 10 है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, राइट डिफरेंट टेक्निक ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन के प्रत्यय की विवेचना कीजिए, समायोजन की विभिन्न युक्तियों को लिखिए। तो इस प्रकार से आपने देखा जो आपका सेकंड पेपर था बीएड फर्स्ट ईयर का, जो अवध यूनिवर्सिटी से हैं, ये उनके लिए वीडियो था, क्योंकि आपको मालूम होता है अवध यूनिवर्सिटी में साल भर में सिर्फ एक बार पेपर होता है, तो वो अपना पेपर उनका सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं होता है, जबकि आपने और यूनिवर्सिटी में देखा होता कहीं ना कहीं आप देखते होंगे वहाँ पर सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, तो यहाँ पे एक पेपर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप आसानी से करके जाएंगे, जो कि आपको और आपका टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। तो पहले ही बता चुके हैं हमने पहले वीडियो में, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें किस प्रकार से आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन से प्रश्न पहले करना है, कौन से प्रश्न बाद में करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।